हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ज्ञान एक्सप्रेस। फ्रेंड्स, मेरे पास ये एक वीवो Y12 मॉडल का मोबाइल फ़ोन है और इसका हम FRP बाईपास करने वाले हैं इस वीडियो में। बिना PC की मदद से कुछ ही मिनटों में आप इसकी FRP बाईपास कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको वाईफाई से कनेक्ट कर लिया और इसको जो सेटअप करना है, और मैं आपको एक बार चेक करा देता हूँ इसमें बाईपास करना है। इसमें FRP लॉक लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर पासवर्ड मांग रहा है ओल्ड, और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जीमेल अकाउंट मांग रहा है जो इसमें पहले से लॉगिन था। यहाँ पे हमें वो पता नहीं है, तो अब हमें को इसको बाईपास करना पड़ेगा। बाईपास करने के लिए दोस्तों आपको जो है, सबसे पहले आपको जाना होगा वाईफाई का जो यहाँ पे ऑप्शन शो कर रहा था वहाँ पे आपको जाना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं वाईफाई है, तो यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं एडवांस में जाके। यहाँ देख सकते हैं मैन्युअली मैनुअल प्रॉक्सी पे क्लिक करना है, और फिर यहाँ पे बाईपास हॉट नेम पे जाने के बाद कुछ भी टाइप करना है और फिर लॉन्ग प्रेस करना है उस पर। फिर वेब सर्च पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे इसका जो वीवो का ब्राउज़र है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे इसको एक्सेप्ट करके ब्राउज़र ओपन हो जाएगा। अब हमको यहाँ पे एक वेबसाइट डालना है VN ROM। इसको हमें इस तरह से ओपन कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन स्मार्ट लॉक पे आपको क्लिक करना है अलाउ करके। फिर पैटर्न हमें यहाँ पे कोई भी न्यू पैटर्न यहाँ पे दो बार में इस तरह से सेट करना है। फिर सिक्योरिटी क्वेश्चन में कुछ भी आप डाल सकते हैं, ए और जे मैंने यहाँ पे इस तरह से डाल के इसको फिनिश कर दिया है। और ये देखिए इसका जो हमने लॉक सेट कर दिया है न्यू। अब हम इसको बंद करके एक बार आपको लॉक खोल के दिखा देते हैं। देखिए ये इस तरह से इसको आप जो है लॉक लगा देना। अब आपको इसको बिल्कुल बैक चले जाना है, और बैक जाने के बाद में फिर आपको इसका जो सेटअप है पूरा जैसे करते हैं वो कर लेना है आपको। यहाँ पे डोंट कॉपी, और यहाँ पे जो हमने पासवर्ड नया जो बनाया था वो यहाँ पे देख सकते हैं मांगने लगा है। अब हम यहाँ पे जो पासवर्ड हमने बनाया था वही डाल देंगे, तो ये जो है इसकी FRP बाईपास हो जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं स्किप का ऑप्शन नीचे की साइड में लेफ्ट साइड में कॉर्नर में दिख रहा है स्किप। स्किप का मतलब हो गया कि इसकी जो FRP है वो बाईपास हो गई है। अब हम इसको सेटअप कर लेते हैं, जो सेटअप बचा हुआ है उसको फिनिश कर देते हैं इस तरह से। स्किप, नेक्स्ट, स्किप, स्किप कर देते हैं इसको भी। यूज़ नाउ पे देख सकते हैं क्लिक करते ही मोबाइल फ़ोन ओपन हो गया हैगा। इस तरह से आप अपने वीवो Y12 मॉडल की FRP को बाईपास कर सकते हैं। और वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।